नमस्कार व्यूअर्स, मैं रीना मुखर्जी आपको दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन जताती हूं और कामना करती हूं कि आप इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। तो मैं आज आपको इस माँ की भोग की थाली में जो चढ़ता है उसी का एक रेसिपी है, चटनी, टमाटर और खजूर की चटनी। उस रेसिपी को मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। इसमें चाहिए होगा टमाटर, जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, खजूर, थोड़े आम पापड़, गुड़ वाले आम पापड़, अदरक, कतरी हुई अदरक, गुड़, नींबू का रस और नींबू के पत्ते कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। इसके अलावा चाहिए होगा चुटकी भर नमक, जिसमें हम रॉक सॉल्ट यूज करेंगे, और ये बंगाली भाजा मौसला। भाजा मौसला मतलब इसमें होगा रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और काली मिर्च और होल रेड चिली को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चटनी बनाना। टमाटर की चटनी बनने के लिए सबसे पहले हम पैन में ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब पानी, ताकि ये टमाटर आराम से गल जाए, और डालेंगे चुटकी भर नमक। अब ये हम टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए टमाटर काफी गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गया है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी अदरक, कटी हुई अदरक, और अब ऐड करेंगे हम खजूर। खजूर में टेस्ट भी आएगा और मिठास भी, और डालेंगे हम आम पापड़। इसको अब ढक देंगे। अब ये 3 से 4 मिनट लेंगे इनको सब घुलने मिलने में। अब देखते हैं खजूर गल गए हैं कि नहीं। वाओ, बिल्कुल गल गए हैं। गुड़ बाद में मिलाना चाहिए, गुड़ अगर पहले मिला देंगे तो कोई चीज नहीं गलेगी, क्योंकि खजूर ने और आम पापड़ ने मिठास का काम काफी हद तक कर दिया है। अब इसमें मैं ये नींबू का पत्ता थोड़ा इस तरह से तोड़ के, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, ये मैं डाल देती हूँ। मैं अब ओवन को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि ये बन चुका है। इसमें डालूंगी थोड़ा नींबू का रस, चटनी बनके तैयार। इसको ठंडा ही खाया जाता है, इसको हम सर्विंग बोल में मैं पलट देती हूँ। माता को भोग लगाने के लिए चटनी हमारी तैयार। इसको हम अब इस नींबू के पत्ते से ही गार्निश कर लें, इसका फ्लेवर भी आता रहेगा, देखने भी अच्छा लगेगा। और सर्व करने से पहले इसमें डालिए भाजा मौसला, ये बहुत जरूरी है, इसी से फ्लेवर एक्स्ट्रा आ जाता है इस चटनी में।